जी टंडो आदम वैसे पहले तो आना होता था, लेकिन ये कि अब जब के अनाउंस हुआ इलेक्शन तो, लेकिन बहुत प्यार मिला मुझे और इतना वेलकम कि मैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि एक जीत हार को इतना सर पे मैंने सवार किया नहीं हुआ, इसलिए कि ज़ाहिर दो जहाँ पर कैंडिडेट होते हैं एक जीतता है और एक हारता है, और लेकिन यहाँ पर मैं आई हूँ तो अल्फाज नहीं है मेरे पास जिस किस्म का वेलकम हुआ, जिस किस्म के यहाँ पर लोग अदा कुछ आने वाले थे और आप लोगों के सामने ही था। मेरे ख्याल में आपने देखा होगा, बल्कि पूरे शहर ने देखा और आप लोगों के थ्रू सिंध ने देखा होगा और जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने भी यकीनन देखा होगा। तो क्या सूरत हाल है अभी, जो इलेक्शन हो रहा है इसमें कितनी आपको उम्मीद है कि ये साफ शिफाफ होगा, क्योंकि वो सारी मशीनरी जो है वो पीपल्स पार्टी के जी यहाँ पर पाई जा रही है। देखिए जहाँ उम्मीद की बात करते हैं तो शायर तो कहता है कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, लेकिन मैं कम अज़ कम सिंध गवर्नमेंट से ये शेर भी पढ़ के दिल को तसल्ली नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर गैर वो जानबदारी तो वही नहीं है ना। इन्होंने अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, और मज़े की बात है कि वो दर खटखटा रहे, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। सबसे पहले वो अली हसन, जो उन्होंने लोगों को धमकी दी थी कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगी, उस पर नोटिफिकेशन निकलवाया। फिर ये जब बिलावल साहब आए और म्यूनसिपल कमेटी सारी वहाँ पर वो थी, फिर थर्ड टाइम इन्होंने पोलिंग स्टेशन चेंज करवा रहे थे, वो पोलिंग स्टेशन इकट्ठे कर रहे थे, और अभी भी कुछ इस किस्म की बातें सुनी है कि वो अभी तक शाम तक लिस्ट नहीं दी थी। अब मैं यहाँ से फ्री होती हूँ तो मैं देखती हूँ, लेकिन वो कह रहे ना कि गैर जानबदारी नहीं है पूरी। मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा इलेक्शन के जो मुकाबला है वो किसी कैंडिडेट से नहीं है, पूरी सिंध की मशीनरी से है, कि जिसमें सारा बलदियाती निज़ाम भी है इनका, इनका पुलिस है, इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो यहाँ सिंध से निसार दुरानी साहब गए हैं, जब उनकी एसोसिएट की दो खवातीन के नाम रिजर्व सीट प्रोविंशियल असेंबली सिंध के लिए देंगे, तो मैं फिर इसको कैसे साफ शफाफ समझूँ। तो जाहिर है ये तो जब वो इतना ओबलाइज किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको नवाजा जा रहा है, तो मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं समझती। जी सबसे पहले तो जो चीज़ मैंने देखी है, सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर देखे, मतलब ये मनुष्यात के बारे में सुने, मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये गढ़ बन चुके हैं। किसी वक्त हम इलाके गैर को समझते थे और उसके बाद मेनपुरी और मावा, मैं वहाँ पर शिदादपुर सिंजोरों बरून और खडड़ों वगैरह की तरफ भी गई हूँ कि जहाँ पर मैंने कभी देखा नहीं था सिंध में, ये हमेशा मैंने कराची उस साइड पर देखा था। आई एम सॉरी, नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया जिसके देखे, तो ज़ाहिर है फिर इससे तो आप इसको अगर वो करते जाए स्टेप बाय स्टेप तो ना फिर वो किसी काम काज के काबिल रहेगा। सेहत अलग ख़राब, हॉस्पिटल्स का हाल आपको पता है। तो जो मेन जो मुझे वो शॉकिंग जो सबसे लगा वो ये था। सुनिए, मैंने जब बयान सुना तो नहीं था, ये चलाइएगा ज़रूर, लेकिन मेरे गांव की एक खातून, मेरे ख्याल में जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो आई मेरे पास बैठी हुई थी, कहते अधी तू उन्हें जो वो मखदूम जो बयान दो। तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन है, मैं इधर बात करूँगी वहाँ पर सब सुन रहे होंगे। तो मैंने कहा ना 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 ना, अधी सुठो ना गिलाया, इतनी बड़ी जमात है उन्हें जी, सुठो ना गिलाया, मतलब आप समझ रहे हैं कि जब वहाँ पर बैठी हुई गोठ मीर मोहम्मद वसान के, वो जो कहते हैं ना कि खेतों में घर में बैठी औरत कह रही है कि इतनी बड़ी जमात के जो सरबराह हैं उनको ये जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो लेकिन मैंने सुना नहीं उसकी कही हुई बात आपको बता रही हूँ। अच्छा, अगर आप जीत कर आएंगे तो क्या मंसूबा है आपकी पार्टी का और लोगों के लिए, क्या मतलब सहूलत और महंगाई है जो क्या? देखिए हमेशा जो वो कहते हैं ना कि किसी वक्त मंसूर होते थे, लेकिन अब जो पिछले चंद सालों से जो हालात हो रहे हैं उसमें सिर्फ लोगों को साफ पीने का पानी, सेहत, तालीम और गैस ही उनके दरवाजे पे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मंशूर नहीं है। पीपल्स पार्टी का बयान आया कि 300 यूनिट बिजली के यूनिट फ्री दिए जाएंगे आवाम को, फिर किसान कार्ड दिया जाएगा। अजान या बोल लूं? देखिए वो आप सब समझदार हैं और सभी को पता है कि वो पसपाई हुई थी या करवाई गई थी। यहाँ पर तो ख्वाहिशों के पे चला जाता है,
कि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इस बॉक्स में से इतने बैलेट पेपर चाहिए। अब ये तो जो फरमाइशें पूरी होती हैं, ये सवाल तो आप उनसे कीजिए कि सिंध के जो आवाम की जो राय है उसका एहतराम करें। अजान से पहले एक सवाल पूछा था यूनिट फ्री उसका, तो उससे क्या कहते हैं, देखें आप उनके इंटरव्यू का तो जिक्र करते हैं, बाद में अब्बासी साहब वाले इंटरव्यू का जिक्र नहीं करते जिसमें उन्होंने कहा था कि ख्वाब भी ना देखें तो जाग जाएं। आपको किसने कहा इतना लंबा सो लें और 300 यूनिट सोचें? इन लोगों ने, इन दोनों जमातों ने मिलकर कारखाने लगाए हैं बिजली के, IPPs, जो इस दफ़ा जून जुलाई में आप लोगों की चीखें निकलेंगी। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि पता चले कि आप लोग कहेंगे मुंतखब नुमाइंदे के गरेबान में हाथ डालें, मुंतखब नुमाइंदा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बिजली के बिल इतने होंगे कि हमारी खुद की चीखें निकली हुई हैं। और लोड शेडिंग हद से ज़्यादा, सोलर सिस्टम का यहाँ पर जैसे कुछ वो ही नहीं है कि हुकूमती सतह पर लोगों को इस तरफ किया जाए कि दूसरी एनर्जी की तरफ, तो ये हो नहीं सकता कि आप लोगों ने कारखाने बिजली के लगाए, आप हमारी जेबों पे डाका मार के उसको दें और उसके बाद भीख के नाम पर उनको 300 यूनिट पकड़ा दें। मुझे समझ नहीं आती। आपने वाक्य सुना होगा कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स भिखारी आया तो अपने हाथ से कुल्हाड़ी में वो दस्ता अपने दस्ते मुबारक से लगा कर दिया कि कल रोज़े क़यामत तुम्हारे माथे पर मांगने का निशान ना हो। ये सिंध से बदला किस चीज़ का लिया जा रहा है? सिंध की वो गैरतमंद कौम जो मेहमान नवाज, अपनी उस पर ज़ुबान पर जान देने वाली, उनको भिखारी क्यों बना रहे हैं? कभी बेनदर इनकम सपोर्ट कार्ड के नाम पर, कभी यहाँ पर वजीफे के नाम पर लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ के दीजिए 2000 रुपये ये और 2500 रुपये और उसके बाद 300 यूनिट। भाई 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए,